वेलकम बैक। ऐसे आप सब मैं हूं अमित, आप देख रहे गिटार अटो चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया न्यू लेसन। आज मैं आपको सिखाऊंगा कलंक मूवी का टाइटल ट्रैक, कलंक सॉन्ग जिसको गाया अरिजीत सिंह ने। थोड़ा सा लेट हूँ इस लेसन के लिए, बट हाँ आपको जरूर इस लेसन में आपको बहुत सारी नई चीज़ें दिखेंगी, जैसे कि मल्टीपल हार्ट बीट्स पे आपको प्ले करना सिखाऊंगा। देन उसके बाद जो इसकी इंट्रो है सॉन्ग की, वो आपको मल्टीपल तरीके से सिखाऊंगा। मल्टीपल बेसिकली सिंगल स्ट्रिंग पे भी आपको सिखाऊंगा, मल्टीपल स्ट्रिंग्स पे भी सिखाऊंगा, और कॉर्ड वाइज आप कैसे प्ले कर सकते हैं इसकी इंट्रो को, वो भी आपको सिखाऊंगा। बाकी आपको कॉर्ड सिखाऊंगा, ओपन कॉर्ड्स, बार कॉर्ड्स और कैपो के साथ भी कॉर्ड सिखाऊंगा, सारे शेप वाइज आपको सिखाऊंगा डायग्राम्स के साथ, ठीक है। और भी काफी सारी चीजें दिखाऊंगा, तो प्लीज मेरे लेसन को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉन्ग के स्केल की बात। जो इसके सॉन्ग में ओरिजिनल स्केल यूज हुआ है वो है डी शार्प मेजर, जो हम ऐसे 6 फ्रेट पे पकड़ते हैं ए शेप में, ये हो गया हमारा डी शार्प मेजर, ये इसका ओरिजिनल स्केल है, ठीक है। और इसके बाद जो इसके कॉर्ड्स हैं काफी इजी हैं, मैं पहले आपको बार कॉर्ड्स बता देता हूँ, उसके बाद आपको ओपन कॉर्ड्स विदाउट कैपो, और उसके बाद आपको कैपो वाले कॉर्ड्स बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डी शार्प मेजर, जो हम 6 फ्रेट पे पकड़ते हैं ए शेप में, उसके बाद हमारा उसी पे आ जाता है ए शार्प मेजर, सेम 6 फ्रेट पे ई शेप में पकड़ते हैं। देन उसके बाद हमारा एफ शार्प मेजर, सेकंड फ्रेट पे ई शेप में। देन हमारा एफ मेजर एक जगह भी यूज हुआ है एफ मेजर, बट हाँ काउंटिंग में है, ठीक है, एफ मेजर, एफ शार्प मेजर, एफ मेजर अलग से है। देन उसके बाद हमारा जी माइनर, ठीक है दोस्तों, एक जगह एफ मेजर 7 भी यूज होता है, बट उसकी जगह आप एफ शार्प मेजर ही यूज करें तो वो भी ओके है, ठीक है। और इसके बाद अगर आपको ओपन कॉर्ड्स प्ले करना है, अगर आपके पास कैपो भी नहीं है और अगर आप बार कॉर्ड्स भी नहीं प्ले कर पाते हैं, तो आपको क्या करना है, एक एक फ्रेट नीचे ले आना है, ठीक है, एक स्केल सॉन्ग का नीचे ले आओ खुद से। तो जो आपका डी शार्प मेजर बनेगा वो बन गया आपका डी मेजर, जो आपका ए शार्प मेजर था वो आपका बन गया ए मेजर, जो आपका एफ शार्प मेजर था वो आपका बन गया एफ मेजर, ठीक है, आप डायग्राम पे देखिए साइड साइड पे, जो आपका एफ मेजर था वो आपका बन गया ई मेजर, जो आपका ई माइनर था, सॉरी जी माइनर था, वो आपका बन गया एफ शार्प माइनर। सो डी मेजर, एफ मेजर, ई मेजर, एफ शार्प माइनर, ठीक है, ये हमारे 4-5 कॉर्ड यूज होते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको कैपो है, कैपो के साथ अगर आपको ओरिजिनल स्केल में ही प्ले करना है और ओपन कॉर्ड्स में, तो आपको करना है क्या है, इसको लगाना है फ्रेट नंबर 1 पे, ठीक है, फ्रेट नंबर 1 हमारा ही आ गया, इसके एंड जहाँ पे ये फ्रेट खत्म होने वाला होता है जस्ट उसके पीछे ही हमें ये कैपो लगाना होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको कॉर्ड्स की बता देता हूँ कैसे चेंज होंगे। जो हमारा डी शार्प मेजर था वो बन गया हमारा डी मेजर, सेम जो ओपन में है वैसे ही प्ले होगा डी मेजर। देन हमारा जो ए शार्प मेजर था वो बन गया ए मेजर, जो हमारा एफ शार्प मेजर था वो बन गया हमारा एफ मेजर, जो हमारा एफ मेजर था वो बन गया ई मेजर, जो हमारा जी माइनर था वो बन गया एफ शार्प माइनर। एंड इसके बाद जो एक एफ मेजर 7 यूज करते हैं वो आप ऐसे यूज कर सकते हो। आप सी मेजर की शेप देखिए, सी मेजर आपको पकड़ना है, आपको क्या करना है, जो आपकी इंडेक्स फिंगर है वहां पे उसको आपको सेम जगह पे रखना है और इन दोनों फिंगर्स को एक एक स्ट्रिंग नीचे ले आना है। अब इसको 4 से हटा के 3 पे, इसको 5 से हटा के 4 पे, सो ये आपका एफ मेजर 7 प्ले हो गया, ठीक है। सो डी माइनर, एफ मेजर 7, जी माइनर, सॉरी एफ शार्प माइनर, एफ मेजर और ई मेजर, तो ये सारे आपके कॉर्ड्स हैं जो भी सारे ओपन प्ले होंगे विद कैपो, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारी स्ट्रमिंग इसमें यूज की है मैंने, वो आप कोई भी चकिंग वाली स्ट्रमिंग यूज कर सकते हो, जैसे स्ट्रमिंग हो जाती है। यहाँ तो आप नॉर्मल 5-4-3-2-1 ऐसे भी आप फुल सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं अगर आपको स्ट्रमिंग प्ले करना नहीं आती है,
ठीक है। उसके बाद मैं बात करूंगा इसकी हार्टबीट स्ट्रमिंग्स की, तो आपको अगर हार्टबीट स्ट्रमिंग आपने सीखी है आपके लिए काफी इजी रहेगी। तो ये हार्टबीट स्ट्रमिंग कौन सी यूज होगी, किक प्लस स्ट्रम, स्ट्रम प्लस स्नेयर, किक प्लस स्ट्रम, किक देन स्ट्रम प्लस स्नेयर, किक प्लस स्ट्रम फर्स्ट से बता रहा हूँ, किक प्लस स्ट्रम फर्स्ट, सेकंड स्ट्रम प्लस स्नेयर, देन किक प्लस स्ट्रम, देन सिंपल किक, देन स्ट्रम प्लस स्नेयर। तो ये कैसे भी होता है, ठीक है। इसके बाद जो सबके सबको अच्छी लगती है वो है स्पैनिश वाली, ठीक है। ये आपको कैसे प्ले करनी है, किक प्लस स्ट्रम, रेसो ग्रेडो, किक प्लस स्ट्रम ये वाला, ठीक है। देन उसके बाद थंब फोर, थर्ड पार्ट आ गया हमारा थंब, वन टू में ये फिंगर्स, देन थंब, देन फोर्थ पे बैक साइड पे स्लैप, वन टू थ्री फोर डाउन, सॉरी अप, किक अप, ठीक है। तो ये इस पे कर दो, ये किक प्लस स्ट्रम, फिंगर्स, थंब, स्लैप, अप, किक प्लस स्ट्रम, अप। तो ये ऐसे प्ले होगा, ठीक है। ये आप आराम से ये वाली स्ट्रमिंग में प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं इंट्रो की। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इंट्रो सिंगल स्विंग पे आप कैसे प्ले करनी है, फिर आपको मल्टीपल स्विंग पे, देन हमारे कॉर्डवाइज कैसे प्ले करनी है। तो सिंगल स्विंग पे आपको कहाँ पे प्ले करनी है, 8 फ्रेट पे आपको प्ले करना है। तो आपको सिर्फ ई स्विंग पे प्ले करनी है, ई पे आपको 8 फ्रेट, और यहाँ पे हैमर और पुल ऑफ करना है आपको 10 पे, 8, 10 पे हैमर और पुल ऑफ, देन 6, देन 1, 3 पे हैमर एंड स्लाइड, 6, 8, स्टार्टिंग से बताता हूँ, 8, 10 पे हैमर एंड पुल ऑफ, स्लाइड 6, देन हमारा 1, हैमर 3, देन स्लाइड 6। तो ये कैसे प्ले होगी, ठीक है, वैसे। उसके बाद सेम 8, 9 पे, फिर हमें 10 के अलावा 9, देन 8, हैमर, पुल ऑफ, देन स्लाइड अगेन 6। सो ये कैसे, सॉरी, ठीक है, ये हमारी इंट्रो है। एंड अगर आपको मल्टीपल स्ट्रिंग्स पे प्ले करनी है तो अगेन आपको यहाँ पे फोर्थ स्ट्रिंग पे, सॉरी थर्ड स्ट्रिंग पे आपको यहाँ पे पकड़ना है, फिफ्थ फ्रेट पे थर्ड स्ट्रिंग, ठीक है, जी स्ट्रिंग हमारी बेसिकली, तो थर्ड स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट, तो 5 पे आपको सेम हैमर पुल ऑफ करना है, कैसे, 5, 7 हैमर को पुल ऑफ, स्लाइड 3, देन ऊपर वाली स्ट्रिंग को, फिर फोर्थ स्ट्रिंग को थर्ड पे स्लाइड करना है 5 पे, देन अगेन हमारी थर्ड वाली स्ट्रिंग थर्ड पे, तो कैसे, 5 पे 7 पे हैमर एंड पुल ऑफ, स्लाइड थर्ड पे, फिर ऊपर वाली स्ट्रिंग को 3 पे ही पकड़ना है, स्लाइड करना है 5 पे, फिर हमारे नीचे वाले स्ट्रिंग को थर्ड पे प्ले करना है, ठीक है, कैसे प्ले होगी, फिर उसके बाद फिर से 5, फिर हैमर हमें 7 के अलावा 6 पे करना है, तो ये ऐसे इंट्रो प्ले होगी। आपकी मल्टीपल स्ट्रिंग्स वाली इंट्रो होगी, और जो आपकी कॉर्ड्स वाली जो हमारी इंट्रो रहेगी वो आपको करना क्या है, ए मेजर शेप पकड़नी है, ए मेजर पे आपको सिर्फ 2 स्ट्रिंग्स पकड़नी है, पिंकी को आपको फ्री छोड़ना है, ठीक है, आपको यहाँ से 5 है 2 वाली स्ट्रिंग्स को एक साथ प्लग करना है, हैमर और पुल ऑफ करना है, ठीक है, ऊपर वाली स्ट्रिंग को 2 पे 5 और 2 आपको एक साथ प्ले करनी है, टाइम हमें 3 पे प्ले करना है,
देन हमें फोर स्ट्रिंग को अगेन स्लाइड करना जो हम पहले वाले मल्टीपल स्ट्रिंग वाले कर रहे थे, देन अगेन वैसे ही। फिर अब हमें ए वाली शेप पकड़ लेनी है, ठीक है, जैसे ए माइनर की होती है ना, तो इसको हमने छोड़ देना। ए मेजर की शेप हमने स्टार्ट की, इसको हमने छोड़ दिया, इसको हमने पुल ऑफ हैमर और पुल ऑफ के लिए। फिर हमें ए माइनर की शेप, ठीक है, आपको जैसे इजी लगे आप वैसे प्ले कर सकते हैं इस इंट्रो को। और इसके अलावा जो भी है इसका कवर ही है, आप प्लीज एक बार कवर को भी देखिएगा, अगर आपको कहीं से कुछ नहीं समझ आ रहा है आप विद लिरिक्स जो कॉर्ड चेंज हो रहे हैं प्लीज आप देखिए, मैं साइड बाई साइड कॉर्ड शो करता रहूंगा। और एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब बटन अभी दबा दीजिए, ठीक है, और बेल आइकन उससे भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी आप मेरा कवर सॉन्ग देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको मेरा कवर सॉन्ग कैसा लगा और इस लेसन को कैसे आपने मतलब आपके लिए यूजफुल रहा कि नहीं। लेसन हो ये था कवर सॉन्ग, और अगर आपको कुछ भी इसमें से अगर आपने कुछ भी सीखा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप शेयर करना चाहें तो
और भी बहुत अच्छी बात है। प्लस अगर आपने अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, नीचे आपको साइड पे शो हो रहा होगा, प्लस आप बेल आइकन भी आपको साइड पे शो हो रहा होगा, तो प्लीज वो भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, तो आज के लेसन मिलते हैं, नेक्स्ट लेसन में आपके लिए कोई और लेसन लेके आऊंगा अच्छा सा, तो तब के लिए धन्यवाद।